फ्रेंड कैसे हो आप, आई होप आप अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि अगर आपको ट्रक लेना है कैसा लेना है, न्यू लेना है या पुराना लेना है, अगर आपको फाइनेंस करना है कितना करना है, कौन सा बढ़िया रहेगा, सेकेंड हैंड लेते हो तो इस स्टेट से दूसरे स्टेट में चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं आप सब आज इस वीडियो में डिटेल्स को पूरा क्लियर करूंगा कि आप कैसे ट्रक ले सकते हो और ट्रक से कैसे कमा सकते हो, इसको भी मैं बताऊंगा लास्ट में। तो मेरे साथ है शेखर भैया जी है और इनके अंडर में 30 से 40 ट्रक है जो यहाँ पे इनके अंडर में काम करती है, तो इनसे भी हम कुछ नॉलेज लेंगे। तो नमस्ते शेखर जी भैया जी, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई ट्रक लेना चाहता है तो न्यू ट्रक लेना बेस्ट रहेगा ना ओल्ड, कौन सा बेटर रहेगा? बेटर होगा कि न्यू ट्रक, ओल्ड का ट्रक अगर लेता भी है तो कम से कम 4 साल या 5 साल पुराना ट्रक ले तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर उससे ज़्यादा अगर पुराना होता है तो उसका मेंटेनेंस खर्चा भी ज़्यादा पड़ जाता है, मेंटेनेंस आपका ज़्यादा पड़ेगा, फिर उसका पेपर्स का वर्क ज़्यादा होता है। और अगर ओल्ड कोई गाड़ी ले रहा है तो सबसे बेटर है कि सबसे पहले आप उसका पेपर पूरा फुल चेक कर लें, हर एक पेपर। तो अगर यहाँ पे नया आपकी बात की जाए तो न्यू गाड़ी में तो कोई टेंशन नहीं, आप न्यू गाड़ी लोगे तो शोरूम में जाकर ही सब कुछ मिल जाएगा, सब बता देगा, सारा पेपर रेडी। तो इसमें कोई जानकारी देने कोई बात ही नहीं है। तो अब आते हैं सेकेंड हैंड गाड़ी के ऊपर, सेकेंड हैंड गाड़ी के बारे में बताने, कैसे सेकेंड हैंड गाड़ी ले सकते हैं और कैसे उसे चला सकते हैं। मान लीजिए कोई खरीद के सोच रहा है, ज़्यादा पैसे भी नहीं है, अगर सेकेंड हैंड लेते हैं तो कितना फायदा हो सकता है उसको अगर कमाना चाहता है तो? सेकेंड हैंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको लेना भी है तो कंडीशन देखना होगा, कंडीशन देखना। मान लीजिए कि अगर 5-6 साल पुराना गाड़ी है तो एक गाड़ी का एज जो होता है अप्रॉक्स 16 साल तक का होता है, 16 साल के बाद आप उस गाड़ी को रोड पर नहीं ला सकते, आरटीओ का नियम के हिसाब से 16 साल उसका यूज़ कर सकते हैं आप। तो 16 साल के पहले अगर मान लीजिए कि आप 10 साल का गाड़ी लिए तो आपके हाथ पे सिर्फ 6 साल है, 6 साल में आप वो पैसा नहीं उठा पाइएगा। एक गाड़ी का वैल्यू जो होता है उसके कंडीशन के हिसाब से उसका वैल्यू लगता है। अब अगर मान लीजिए कि अगर हम गाड़ी भी खटारा ले लिए और उसको खटाने की कोशिश करें तो मुझे तो वहाँ से अर्न होगा नहीं, जो मैंने पैसा लगाया वही पैसा मुझे ना मिले, क्योंकि उसमें आपका सारा चीज़ का खर्चा है, टोटल खर्चा है, एक्सपेंसिव है, ड्राइवर का भी खर्चा है, तो आपको वो सब तो निकाल के उसके बाद अपना प्रॉफिट रखना होगा। और ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी आप फुल कैश लीजिएगा, जो भी होगा इंस्टॉलमेंट में ही जाएगा। और सेकेंड हैंड गाड़ी अधिकतर लोग फुल कैश, इस पार्टी को फुल कैश देना पड़ता है, लेकिन आप बैंक से लेना पड़ता है तो आपको बैंक को तो रिटर्न करना होगा, तो उस हिसाब से होता है। अब जैसे होता है तो आपके पास ये गाड़ी है आप नए लिए अभी सेकंड, हाँ, तो इसको क्या कैसे मॉडिफाई, अगर कोई लेता है तो मॉडिफाई कैसे अपने से करवाना पड़ता है? हाँ, इसका मॉडिफाई करवाने का रूल ये होता है, जैसे आप चेसिस ले लिए, हाँ, ये चेसिस होता है बॉडी के साथ ही मिलता है लेकिन कंडीशन उसका खराब रहता है। जैसे ये जो मैंने गाड़ी ली थी, इस गाड़ी का कंडीशन ये था कि चेसिस सही था, इसका टायर वे मैंने सब चेक किया था, लेकिन उसका कैबिनेट देखिए आप, कैबिनेट काफ़ी ज़्यादा ये हो चुका है, टूटा हुआ है। तो हम लोगों ने पहले क्या किया कि इसको हम लोग मेनली चेसिस देखते हैं गाड़ी में। जब भी आप लोग कोई भी पुराना गाड़ी लो चाहे नया गाड़ी लो, नया गाड़ी में भी हमें सिर्फ चेसिस ही मिलेगा, ये जो बाकी का बॉडी है चाहे कैबिनेट है वो सब हमें बनवाना पड़ता है, बनवाना पड़ता है। तो मतलब आप गाड़ी जब ले रहे हो ना तो पूरा आपको सिर्फ यही लेना पड़ेगा, यानी सेकेंड हैंड ले रहे हो तो अच्छा भी कुछ मिल सकता है पार्ट ऊपर का, जैसे आप ये बनवा रहे हैं अपने से जी। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई कोई जैसे जो खराब होता है उसे ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं ऊपर में जो काट वगैरह है, काट वगैरह जो है सही सलामत था तो इसलिए हम लोगों ने उसको यूज कर लिया, लेकिन एक बॉडी बनाने का कॉस्ट अप्रोक्स 2 से 2.5 लाख के करीब में आता है, सिर्फ बॉडी का, फुल बॉडी आप उसमें चेसिस छोड़ के, वो चेसिस तो हो गया आपका अपना ओन। अब इसमें क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि अगर बॉडी बनवा रहे हैं तो अब आपको किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, बिल्कुल सही बात। अब अगर आप अगर जैसे बोल सकते हैं कि कच्चा माल, इट मीन्स हो गया फल वगैरह, फल वगैरह के लिए आपको जो है ऊपर का लकड़ी में गैप रखना होगा ताकि एयर आता रहे जाता रहे, एयर जो होगा अगर नहीं आएगा तो माल जो है वो खराब हो सकता है। उसके अलावा जो होता है जैसे बाकी का जो माल होता है, आप अगर जो भी कपड़े उपड़े का ये कर रहे हैं तो इस सब के लिए पैक्ड गाड़ी चाहिए, कंडीशन थोड़ा हाँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, हाँ इसीलिए यहाँ पे देखा जाए, देखिए यहाँ पे ये सारा चीज़ ख़राब है लेकिन ये शायद न्यू लग रहा है ये वाला, हाँ ये अभी बन रहा है, ये वाला सब पार्ट्स बना है, जो चीज़ है ये सब तो अंदर रहता है लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इसको ये पूरा का पूरा ढकेगा, कलर होगा और तभी ये सी एफ में पास होगा, ये सब कंडीशन है। आप आगे देखते हैं तो देखिए सेकेंड हैंड गाड़ी है और यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं बॉडी को किस तरीके से है, इसमें हम लोग टोटल काम करवाते हैं, इंजन का काम से लेके टोटल, देखिए यहाँ पे इंजन का काम है,
ये इंजन है, इसमें इंजन का काम पूरा हम लोग को करवाना पड़ता है, प्लस बॉडी का काम पूरा होगा, बॉडी के काम में भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अप्रोक्स 2.5 लाख का खर्चा। आप ये सोच लिए कि आप गाड़ी खरीद लीजिए, कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहा है तो कितना में खरीद सकता है? ये कंडीशन के कंडीशन में, इस कंडीशन, इस कंडीशन में अप्रोक्स इसका 4 से 6 के बीच में, 4 से 6 लाख के बीच में आपको इस कंडीशन की गाड़ी मिल जाएगी। अगर आपको बॉडी सही चाहिए थोड़ा तो और शायद 8 लाख नहीं, 6 लाख के अंदर बॉडी के साथ मिलेगा, बॉडी के साथ मिलेगा। हाँ, लेकिन अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी का कंडीशन कैसा है, तो वो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसको ठीक करवाएं, मॉडिफाई करवाएं, क्योंकि कोई भी गाड़ी का हर साल CF होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट का रूल ये होता है कि गाड़ी पूरी तरह से नई होनी चाहिए, कलर से लेके एवरीथिंग, लाइट कलर, उसका कांच वगैरह सब चीज़ नया होना चाहिए, क्योंकि वो अगर पास नहीं हुआ तो गाड़ी आप रोड पे लेके नहीं उतर सकते हैं। प्लस आप जब गाड़ी लो तो सबसे बड़ी बात है कि पेपर चेक कर लो, पेपर चेक करो, सही बात, एवरीथिंग। कोई भी गाड़ी लेने के पहले पेपर मस्ट आपको चेक करना पड़ेगा, हाँ, कि उसका RC सही है कि नहीं, RC सही है कि नहीं, उसके बाद से उसका परमिट है कि नहीं, परमिट है कि नहीं। अब डिपेंड करता है परमिट, परमिट जो होता है दो तरह का होता है, एक नेशनल होता है, एक सिटी होता है, मतलब कि जिस आप राज्य में हैं, जिस स्टेट में है, एक स्टेट परमिट होता है, एक नेशनल परमिट होता है। अगर आप स्टेट परमिट में हैं तो पेपर आप पहले चेक करो, स्टेट परमिट का वैल्यू भी ज़्यादा दिन तक रहता है, नेशनल परमिट का शायद 1 साल या 2 साल के लिए होता है, तो हर परमिट आपका रेडी होना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से आप गाड़ी रास्ते पर उतार पाइएगा। उसके बाद से RC हो गया, परमिट हो गया, दो चीज़, प्लस आपका आएगा टैक्स। देख लो क्या क्या चीज़ लगेगा गाड़ी लेने के पहले बता रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर हुआ परमिट, दूसरा नंबर RC, तीसरा नंबर टैक्स, चौथा नंबर इंश्योरेंस, ये 4 चीज़ हो गया मेन। इसके बाद आएगा पोल्यूशन, ठीक है, उसके बाद ड्राइवर का लाइसेंस, ये 6 पेपर जो होता है इस गाड़ी के लिए मेन होता है। इसके बाद आपको और कोई गाड़ी लगता नहीं है, और कोई पेपर लगता नहीं है, लेकिन ये सब आपका मेन है, क्योंकि जो भी हो आपको इसी के थ्रू गाड़ी चलाना होगा, क्योंकि चेक इन में सबसे पहले यही सब चेक होता है। अब डिपेंड करता है आपको गाड़ी की बात की जाए यहाँ पे, तो ये शायद पूरे कंप्लीट है गाड़ी, हाँ ये कंप्लीट है, बस इसका कलरिंग में जो है डिजाइन वगैरह अगर नया है।